हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो पे आप देखेंगे अबेकस लेवल 5। सो इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ डिवीजन। जब भी आप डिवीजन करते हो तो क्वेश्चन किस रॉड पे सेट करते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है डिविडेंड डिजिट्स माइनस डिवाइजर डिजिट्स माइनस 1। इस फॉर्मूला से आप अबेकस रॉड पे कहाँ क्वेश्चन सेट करते हो वो पता चल जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड 2 डिजिट्स है और डिवाइजर 1 डिजिट्स है। सो फॉर्मूला आगे फॉर्मूला में अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो 2 माइनस 1 माइनस 1 होगा, तो आंसर है 0। मतलब आप क्वेश्चन 0 रॉड पे सेट करना है। तो अबेकस पे 0 रॉड कहाँ रहेगा? जहाँ 1's प्लेस है उसके बगल में राइट साइड जो रॉड है उसको 0 रॉड बोलते हैं। हम क्वेश्चन 0 रॉड से सेट करेंगे और आंसर एक 1's प्लेस का रॉड से स्टार्ट करेंगे और 1's के प्लेस के राइट साइड हम आंसर को रीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ 0 प्लेस में अपना क्वेश्चन 4545। मैंने पहला सभी आसान प्रॉब्लम्स लिया था, जो फैक्ट्स मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्ट्स आते हैं। फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स मैंने 2 डिजिट टाइम्स 1 डिजिट लिया था, बाद में मैं थोड़ा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाई थी। सो यहाँ पे हम देखेंगे 45, सो इट्स ए फैक्ट। तो 9 5s are 45, तो हमें 9 1 स्पेस में सेट करना है और इस 45 को हमें रिमूव करना होगा जैसा हम नॉर्मल डिविजन में करते हैं। तो आंसर है हमारा 9। नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉब्लम, 2020 / 4। सो इसको भी हम पहला क्वेश्चन कहाँ पे सेट करना है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे फार्मूला के ज़रिए से, विच इज़ 2 - 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0 रॉड। तो अब हमें क्वेश्चन सेट करना है 0 रॉड पे। क्वेश्चन है 2020, मतलब 0 रॉड पे हमें 2 आएगा और 0 उसके राइट साइड पे रखेंगे। 0 को तो कुछ करना नहीं है। तो अब 4 5s are 20 है, तो 5 आके 1's प्लेस में आएगा हमें, तो ये 20 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर है हमारा 5। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम 78 / 2। तो हम सेम सेट रॉड पे सेट करेंगे, सो 0 पे 7 8। तो 2 टेबल में हमें 3 टाइम्स जाएगा क्योंकि हमें 2 डिजिट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहला हम 7 को डिवाइड करते हैं, फिर जो भी बचा है उसको डिवाइड करेंगे। तो जब 7 को डिवाइड करते हो तो 3 2s are 6, हमें नियरर क्लोजर वैल्यू के पास जाना है। तो क्लोजर वैल्यू है 6, तो हमें यहाँ से 6 रिमूव करना है। अब मैं जो भी आंसर सेट करती हूँ यहाँ नहीं सेट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन बीट से। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँ, पहला सब्ट्रैक्ट करूँगी फिर आंसर सेट क्वेश्चन को मैं रॉड पे रखूँगी। तो 18 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, उसके बाद में मैं इसके प्लेस में 9 क्वेश्चन रख दूंगी। तो 1 8 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे रखना है 9 यहाँ पे, तो मैंने 9 रख दिया, तो आंसर है हमारा 3 9 39। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम 54 / 9। 5 4 सेम रॉड पे मुझे रखना है 0 रॉड पे। तो 9 6 are 54, सो 6 मुझे 1's प्लेस में सेट करना है और 54 को मुझे रिमूव करना है। 5 4, तो आंसर है मेरा 6। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम 42 / 6। 4 2, डिवाइडेड बाई 6 6 7s are 42। तो
फिर से मैं 42 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो आंसर है हमारा 7। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम, 450 डिवाइडेड बाय 9। तो पहले मैं किस रॉड पे सेट करना है ये देखूंगी, तो वन रॉड पे सेट करना है मुझे। सो वन रॉड से मैं राइट साइड को सेट करूंगी, पूरे वैल्यूज 450। तो यहाँ पे 0 पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो भी आंसर आता है मैं यहाँ से सेट करूँगी। सो 9 टाइम्स 5 इज़ 45। सो 545 निकल गया। यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो उस 0 के लिए मैं टिल वंस प्लेस तक मैं अपना आंसर लूँगी। तो आंसर है हमारा 5050। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम, 624 डिवाइडेड बाय 8। ए भी मैं वन रॉड से सेट करना होगा, फर्स्ट रॉड पे सेट करना होगा। 3 - 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1। सो वंस प्लेस से मुझे क्वेश्चन सेट करना होगा। सो क्वेश्चन में सेट कर रही हूँ 624। तो मुझे डिवाइड करना होगा, मैं वन डिजिट को नहीं डिवाइड कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये डिवाइजर से कम है। तो मुझे लेना है 62। 62 नियरर वैल्यू इज़ 8 - 7 = 56। तो 7 मुझे टेंस प्लेस में सेट करना है और इसको इसमें से 56 निकाल देना है। 7 - 5 नेक्स्ट मुझे निकालना है 6। 6 के लिए मैं करूँगी कॉम्बिनेशन मेथड, -10 + 5 - 1। पापा डाउन, मामा डाउन, बेबीज डाउन। तो नेक्स्ट बचा हुआ है 64। 8 - 8 = 64। सो 64, तो आंसर है हमारा 78। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम, 980 डिवाइडेड बाय 7। सो हम पहला रॉड फाइंड करेंगे, सेम रॉड ही है, वंस प्लेस से करना है 980। नेक्स्ट 7 को 9 से डिवाइड कर सकते हो, 1 - 7 = 7। तो हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा वैल्यू है अब 280 - 280। तो पहला हम 28 को देखेंगे, 28 मतलब 7 - 4 = 28। तो हम यहाँ पे 4 सेट करने के लिए हम पहला सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर सेट करेंगे, तो हमारा आंसर है 140। नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम, 270 - 2। तो इसके लिए भी हम वंस प्लेस में ही सेट करेंगे, 270। तो हम पहला 2 को 1 टाइम डिवाइड करेंगे, वन को हमें टेंथ प्लेस में रखना होगा, रख दिया। सो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा है हमें 7070। तो 70 के लिए हमें 3 टाइम्स, सो 6 को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा, तो हमारा आंसर 10। तो ये 10 के लिए फिर से 2 टेबल में 5 टाइम्स जाएगा, तो आंसर रिमाइंडर 0। तो आंसर है हमारा 135। हमने सबको डिवाइड कर दिया। ये है एंड ऑफ द क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
तो लाइक शेयर करना भूलना मत। थैंक यू।